जय दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सबका स्वागत है भाई डीएसएल क्लासेस जींद के यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। विश्व के सबसे महान देश के सभी नागरिकों को बहुत 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 धन्यवाद भाई। एक बार आवाज बताइए, कंफर्म करिए आवाज अच्छे तरीके से आ रही है या नहीं। बहुत बढ़िया भाई, महेंद्रगढ़ कब आओगे? अगला नंबर, अगला नंबर। अब तो भाई पहले हमारे सुनील खरब सर जो हैं, उनकी धरती पर पधारण का पहला प्लान बनाना पड़ेगा। वो जमा तो बेरा भाई, तो पहले अभी अगला टारगेट कर रहे हैं आप सबसे बड़ा। आज सर, आज रोहतक का दौरा जबरदस्त रहा भाई। और इसी के साथ मैं एक बहुत बड़ी चीज की अनाउंसमेंट भी एक दो दिन के बाद करूंगा। पहले मैं उसकी पूरी तैयारी कर लेता हूं, क्योंकि अगर कुछ बोलते हैं तो वो पूरा करना जरूरी है। और मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको मैं बता देता हूँ भाई, अपने आप पर जो मैंने आपको बताया था, यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं। बस इसी चीज के ऊपर ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया। तो समालखा भी आना है सर, इस आर कब आओगे? सबके पास आएंगे। और मेरा कोई टारगेट ये नहीं है कि मैं मतलब आज तो थके थके लागो जी, ना ना आपा कोई थके थके को नहीं भाई, आपा तमने बेरा ना नू ना भाई, ऑलिव ग्रीन कलर है, ठीक है, टेंशन ना ले हो। अपना जो कलर है यो बड़ा कलर में वो जोश हो है, तो आपा तो पूरा जोश में, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आप सबको बता देता हूँ, बहुत जल्द एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ मैं आप सबके बीच में मौजूद रहूंगा। अभी आप मुझे एक दो दिन का समय मुझे लगेगा, मैं पूरा प्लान करके फिर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ पूरे हरियाणा के हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। हाँ, नारनौल का दौरा कब है? सब हर एक जगह मैंने आपको कहा है, मैं हर जगह आऊंगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मुझे मतलब नहीं है कि मैं, मुझे मतलब है मुझे एक एक बच्चे से बात करके उसको समझाना है, बस मेरा टारगेट इतना है, ठीक है। और हो सकता है कि कल मेरा सोनीपत का दौरा लगे, हो सकता है, क्योंकि हमारे हमारा जो स्कूल है वहां पर जो हमारे हॉस्टल के जो जितने भी साथी थे उन सब के लिए एक मीटिंग रखी गई है, तो हो सकता है कि कल मैं सोनीपत आऊं। तो जितने बच्चों से अगर मेरा प्लान बनता है तो मैं आप सबके बीच में जरूर स्टेटस जरूर डालूंगा, तो वहां पे सभी बच्चे जरूर जुड़ना, ठीक है भाई। शुरुआत करते हैं, रेखा मलिक को राम राम कर रहे भाई, सन्नी गसो, अच्छा ठीक है भाई। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की भाई। और सबसे पहले मैं तारका तर एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल सुबह 10 बजे हिसार में सेंटर ओपन कर लो सर, अधीश्वर कालिया हिसार में सेंटर ओपन करेंगे 1 मई से, हमारी प्लानिंग है, ठीक है। तो डोंट वरी, हमारे सुनील खरब सर करेंगे भाई, मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो आप सबको, लेकिन सुनील खरब सर की प्लानिंग है कि 1 मई से हिसार में सुनील खरब सर अपनी लीडरशिप में सेंटर ओपन कर सकते हैं। अभी पूरा प्लान होगा तो सुनील खरब सर आपको इन्फॉर्म करेंगे, मैं आप सबके बीच में वैसे ही आता रहूंगा, ठीक है। तो मैंने तो तारते सलाह देनी है, चीते तो तामे हो, जंगल तो तामने पढ़ना भाई, ठीक है, आपा तो तामने बस थपकी थपकी लानी है तारे, जो कुछ करना है वो आपको ही करना है। तो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट यह है, कल सुबह 10 बजे बैच जो आपकी मैराथन क्लास है वो शुरू होगी, मैथ की लगभग 4 घंटे की क्लास रहेगी कल सुबह 10 बजे। और मैं सारे बालकों ने बता कहा हूं कि मैथ कितना जरूरी है, तो सारे के सारे बालक कल तड़के 10 बजे जुड़ जाइयो, लाइव रहोगी यूट्यूब पे, लाइव क्लास सुबह 10 बजे, मैराथन क्लास सुनील खरब सर की क्लास है भाई कल तड़के 10 बजे, ठीक है। हाँ, मेरे पास सुनील सर लाइव भी होंगे और मैं भी अपना काम पर आवा भाई, पापा तो काम देख लेते हैं अपना भाई, काम की बात कर लेते हैं। चलो देखो, तो भाई देखो, कल आपने जितना पढ़ाया था मैंने याद नहीं भाई, कल आपने किस चीज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करे थे,
हाँ शायद आपने कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको कराए थे। NTA जो आप बार बार टेंशन ले रहे थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि कुछ, क्योंकि ये नेशनल लेवल की एजेंसी है तो ये नेशनल जीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि वो सारे पॉइंट मैं आपको कराऊंगा और उनमें से 3-4 टॉपिक मैं आपको कवर करा चुका हूँ। देखो पूरी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा खासा समय लगेगा। जीतू वर्मा जी के अड्डा पे क्लास होंगी, कुछ चेंजेज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन का समय दीजिए हमें। तो भाई ई मैं तार तक एक बात बता देता हूँ, ई बापा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे, मेरे ख्याल में मैंने तार तक करा दिया भाई, मगध साम्राज्य के बारे में करा दिया, मौर्य साम्राज्य के बारे में करा दिया मैंने आपको, गुप्त साम्राज्य के बारे में करा दिया मैंने आपको, बौद्ध धर्म के बारे में करा दिया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा तो सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि ये सबको याद है क्योंकि हमने जो चीज सब तबूडी डाल के सीढ़ के घेर रखी है हरियाणा जी के, हरियाणा जी के एक टॉपिक है जिसका नाम है पुष्यभूति वंश। मेरे हिसाब से तो भाई इसने तम बढ़िया तरीके से करे रहे होगे तो टाइम वेस्ट में तरह करना नहीं चाहूंगा। पुष्यभूति वंश ठीक है, पुष्यभूति वंश के बारे में तम पढ़ रहे होगे। और भाई इसके बाद थोड़ा सा आप देख लेते हैं पुष्यभूति वंश से आगे यूरोपीय शक्तियों के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं भाई, किसके ऊपर, यूरोपीय शक्तियों के ऊपर जो प्रश्न बना है भाई वह देख लें, यूरोपीय शक्तियों के ऊपर के इंपोर्टेंट प्रश्न बने हैं। सबसे पहला प्रश्न बनाया भाई नू बताओ तो हमने बेरा भाई भारत में सबसे पहले कौन आए थे, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भाई, कौन आए थे भारत में सबसे पहले, हाँ पुर्तगाली आए थे भाई। तो अगर कोई अपना तो पूछा भारत में सबसे पहले कौन आए, भारत में तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, मतलब पुर्तगालिया के बाद भारत में कौन आया था, पुर्तगालिया के बाद भारत में आए थे, याद गलती कर रहे हैं क्योंकि गणखरे बालक अंग्रेज लिख दिया कर रहे हैं, याद रखियो भाई भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालिया के बाद डच आए थे और डचा के बाद क्या आया था, डचा के बाद आया था अंग्रेज और अंग्रेजा के बाद जो है, अच्छा जैन धर्म के क्वेश्चन नहीं हुए थे क्या, ठीक है भाई चलो अभी तो बात शुरू कर दी, अगला मैं जैन धर्म के क्वेश्चन करा देंगे। पुर्तगाली डच अंग्रेज, अंग्रेजा का बाद याद रखना अपन है, इसका बाद कौन आया था भाई, अंग्रेजा का बाद आए थे भाई फ्रेंच, ठीक है तो याद रख लेना भाई। ये चार पॉइंट, ये चार प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इन चारों ने ध्यान रखियो, ये चार ही आ रहे हैं ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 क्योंकि इससे ज्यादा तो स्पेशल लगभग दिया को नहीं करते अपने लेवल के एग्जाम में, तो अपन याद रखना है पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फ्रेंच आए थे, सब मेन ये पहले तीन है भाई ठीक है। और इन चारा पर पूछेगा तो इन चारा का सिर्फ यो सीक्वेंस हमने याद रखना है, इन चारा का यो सीक्वेंस याद रखना है। नया रानी कह रहे दक्षिण के भी वंश करवाओ जी, करवा देंगे दक्षिण के वंश, बता भाई दक्षिण के वंश हम क्या दिक्कत है, समझ गए, सातवाहन वंश हो गया आपका, चोल वंश हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव हो गया ठीक है, करवा देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो उनके इंपोर्टेंट पर्सन है वो भी करा देंगे। तो पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा भाई, सबसे पहले तारतनु पूछेंगे कौन सा पहला आया, कौन सा उसका बाद आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो हमने बता देना है। नमस्ते नमस्ते सबके नमस्ते, चलो भाई इब देखो अगला प्रश्न। हाँ भाई मैं तारते बता देता हूं, नेक्स्ट टारगेट जो है अपना वो है भाई अपना कौन सी जगह है नेक्स्ट टारगेट के रूप में, बता देता हूं मैं आपको, हिसार है भाई हिसार, तो हिसार का अपना टारगेट है कब का, फ्राइडे, कब का है भाई फ्राइडे, तो याद रखियो फ्राइडे में अपनी जो मुलाकात होगी वह हिसार में होगी। अर्ज भाई जो भिवानी के बालक है तारत भी घनी दूर नहीं है, तम भी ओड़े आज ही रहे, तो यो अपना नंबर है जिस नंबर पर तुमने बात करनी है भाई ठीक है, यो आपका नंबर रहोगा भाई 95-88-53-61-44, कहाँ बात करेंगे, ये बात की जाएगी आपकी हिसार में ठीक है। अब देखते हैं पुर्तगालिया का सबसे पहला तमनुनकर, भारत में सबसे पहला कौन आया, बोला भारत में सबसे पहले पुर्तगालिया थी, बोला पुर्तगालिया में सबसे पहले भारत में कौन आया, याद रखिए पुर्तगालिया का सबसे पहला भारत में जो आया था वो वास्को डी गामा था, कौन था भाई वास्को डी गामा, अरे याद रखियो भाई गणे बड़का ना वास्को डी गामा कितनी रियलिटी का ना भेरा उन्होंने लागत में शरीफ आदमी था, बहुत सारे लोग लोगों को मार दिया गया था भारत की यात्रा के लिए, यानी कि भारत आते आते बहुत सारे लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था और जाते समय भी वास्को डी गामा और उसकी कंपनी के द्वारा कदे तमने नु लगदा उजमा शरीफ आदमी था, लेकिन ठीक है इसके बारे में कोई अलग से वीडियो बनाकर पूरी डिटेल बताऊंगा। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, पहली बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में आया था और तीसरी बार 1524 में आया था, बताओ वास्को डी गामा कितनी बार आया, 3 बार आया था भाई, पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार आओगा 1524। तो जय को तारतनों पूछ रहे हो सर जी एक बात बताइयो, हिसार ही भाई सार ही आले हैं, यो क्यों भाई
ठीक है, तो अपन याद रखना भाई वास्को डी गामा कितनी बार आया, 1498, 1502 और 1524। और अपने इंडिया में क्या कह रहे बोले यार, तीन तो काने हुए हैं, बोले फिर कान वाली बात जमा सची होगी, तीसरी बांधे मर गया तो बताओ मृत्यु कद हुई, बोले भाई मृत्यु तो तीसरी हुई थी, बोले तीसरी पे कद आया था, बोले दो दुनी चार। तो याद रखियो भाई 1524 में आया था, और 1524 में याद रखियो, 1524 में याद रखियो मृत्यु हो गई थी भाई, किसकी मृत्यु हो गई थी, वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा कितनी बार आया भारत में, तीन बार आया था, पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद रखना अपन, इसके बाद नो प्रश्न होगा भाई वास्को डी गामा जो है भारत में आया तो कितने दिन की यात्रा करके आया था, 90 दिन की यात्रा करके आया था भाई, 90 दिन हो गए थे इसने चालन जब जाके भारत में पहुंचा था। अगर कोई अपना धर्म पूछे अक्सर जी एक बात बताओ, वास्को डी गामा जो कर भारत में आया 90 दिन की यात्रा करके आया, कौन सी जगह पर आया था, यो तो हमने बेरा भाई उस जगह ने कोची कोड भी कह दिया करें, कोची कोड, तो याद रखियो भाई कोची कोड भी कह दिया करें, और कह दिया करें कालीकट भी, याद रखियो क्या कह दिया करें, तो यो आपका कोची कोड लिखा होगा और ना लिखा होगा कालीकट। और भाई यहाँ का राजा कौन सा था, यहाँ का राजा की उपाधि हुआ करती थी जमोरिन, जमोरिन का मतलब हुआ करता समुद्र का राजा, तो जमोरिन उपाधि हुआ करती भाई, जमोरिन ने तो अंधे ठीक जलवा दिया, बोला आइए आपका इंतजार था। तो याद रखियो भाई अगर न्यू लाइव बैच कब आएगा, नया लाइव बैच आ रहा है भाई, 199 रुपया बैच है, 199 फटाफट जाकर खरीद ले। हाँ भाई, तो याद रखना है जमा नया बैच कच्चा बैच शुरू हो रहा है, और वन ईयर का न्यू बैच जो है उसको शायद कल या परसों में अनाउंस होता होगा, ठीक है, वो आपको बता देंगे। आपकी इंस्टा हो सर, आपकी इंस्टा आईडी के अभी मैंने तो कितनी आईडी वीडी चलानी आंदी, आप तो जमा नॉर्मल से आदमी है, ठीक है, मैंने तो बेरा भी नहीं भाई इंस्टा पर, मैंने आईडी वीडी बना कौन रखी, अपना तो बस एक है व्हाट्सएप, ठीक है, अपना व्हाट्सएप पर रहो भाई, व्हाट्सएप ही सब कुछ है, और स्टेटस देख दे रहो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल दे रहोगी, ठीक है, उसके बाद जो तम बना दो मेरा नाम तो इंस्टा पर आईडी का चेकाटो, ठीक है भाई। सर तो आलू तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था, हाँ जमा पक्का याद कर रहा है भाई सीटू, तो याद रखियो अगर कोई अपना तो पूछे हैं कितने रुपया का बैच है सीटी का, 199 का, अगर कोई अपना तो पूछे भारत में सबसे पहले कौन पुर्तगाली आया वास्को डी गामा, कितनी बार आया, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बोले तीन तो काने हो, बोले काने हो तो फिर मर गया, बोले भाई काने हो मर गया, नू कित मरा था, बोले भाई कोचीन में मरा था, कित मरा था भाई कोचीन में, तो प्रश्न होगा वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तम कह दियो कोचीन, बोले भाई कोचीन में कद हुई, बोले जब तीसरी बोले तीसरी पे कहता था, बोले तो 1524 में आया था। क्लियर है भाई, हिसार कब आओगे गुरुजी, टैं टैं कब आएंगे, फ्राइडे भाई फ्राइडे, तो फ्राइडे ना आवांगे, फ्राइडे पांच दिन है, पांच दिन, ठीक है। अच्छा भाई अगला प्रश्न नु का भाई, नु बताओ और फ्राइडे ने नु मत सोचियो कि आवांगे, तारा एक एनडी आप प्रोग्राम भी करांगे, इनाम भी दूंगा तारते जो सब तक ना पढ़नी पाया बड़ा मैंने, ठीक है, तो इसलिए तारते उससे पहले तारखा तेरे गणा बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा कल, और फिर तारते देऊंगा मैं चार दिन और पांचवा दिन अंदे लूंगा तारा टेस्ट, और जो टेस्ट में आ गया उसने भाई जो पहले तीन बालक आऊंगे उसने मेरे 3000 रुपया जो टेस्ट सीरीज टेस्ट है जो अपना पूरा का पूरा नोट्स का सिस्टम है 3000 का, वो 3000 रुपया का नुगा नु गिफ्ट करके आऊंगा भाई, तो देख लो भाई तारीख तारी मौज कर देंगे तम कच्चे काटो भाई। तो याद रखिए भाई कोची गोड जो है, याद रखिएगा कोची गोड जो है, यहां पर अगर कोई पूछता है कि सबसे पहले किता था तो याद आया था इसका एक और नाम है कालीकट, और याद रखियो भाई ये कहां पर, यहां पर स्वागत किसने किया, स्वागत करा जमोरिन ने, जमोरिन ने स्वागत करा कसूती डाल, बोले टन डिन 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 चिकलक कलक, और गाना चला दिया था वो कौन सा गा, बोला आइए तब्बू खड़ी थी वोड़ा रामनु, आइए आपका इंतजार था, ठीक है भाई। तो देख लो याद रखियो जमोरिन, जमोरिन का मीनिंग क्यों, आग्रह एक उपाधि थी समुद्र का राजा, ठीक है यो भी याद रख लियो। अगला प्रश्न देखा है भाई, आगे के पॉइंट बने हैं वो देखते हैं भाई, वो देखो भाई वो देखो के और के पॉइंट बनेगा वो देखेंगे, चलो देखो ये देखो भाई, वास्को डी गामा भारत में जब आया था तो इसने भारत में तो जो माल लेकर गया उस पर 60 गुना फायदा आया था भाई, कितने गुना 60 गुना, ए भाई क्यों जो कर नींबू ले लिए 7 रुपया के भाई, हाँ भाई कह रुपया गए 7 रुपया गए, इब देखो कल अखबार मारी थी ना, बोले किसाना पता नींबू ले लिए 7 रुपया, या लाइट ऑन करियो, बोला किसाना पता नींबू ले लिए 7 रुपया के, और बोला भाई बेचारा कई तीन से चार से रुपया में बेचने लग रहे हैं। तो याद रखियो भाई अगर कोई अपना तो पूछे अब भाई वास्को डी गामा जुकर जो 1 रुपये की चीज लेकर गया था वो उड़ा जाकर 60 रुपया की बेच दी थी, जमा वो किनीत के दही है इनका कुछ ना था, समझ गए। तो याद रखना आपने तो भाई कितने गुना का फायदा होया, 60 गुना का फायदा होया भाई, क्लियर है। तो देखो अगर कोई अपना तो पूछे दूसरा पुर्तगाली कौन सा भाई, दूसरा पुर्तगाली जो भारत में आया, तो भाई इवी से देख के एक और आ गया, इवी ने
अगर राजा का बताई होगी, इसकी माँ पूछती थी अरे एक ही कर आया तू, इतने इतना नाम आया तू, तो भाई यो ने बोला मम्मी और तुम जो माल लिया हूँ तेना थोड़ी बेरा है कितने की बचत आई है उस पर। बोला अच्छा क्या रुपया की बचत आई? बोला 1 रुपया का मार कर लिया था, 60 रुपया गांधे चेप दिया मैंने। किसका? बोला ये पड़ोसी रहे अपने। बोला अच्छा। बोला फिर 1 रुपया का लिया था, 60 का चेप दिया था ना। बोला और 60 रुपया बच गए देख ले, देखिए 60 गुना हो गया नहीं क्यों, रुपये 63 बच गए। बोला अच्छा। बोला इतना में एक आदमी ने पड़ोसी ने सुन ली बात, हमने बेरा इंडिया में तो अपने घर का बेरा हो ना बेरा हो, पड़ोसी ने अपने घर का पड़ोसी का घर का जरूर बेरा पाओगा, तड़के उठ दे नू बैठ जा है। आज तो गाड़ी आ रही थी इनका बेरा नहीं कौन आया है, हैं गाड़ी में भी 2 आदमी उतरे थे, नए है जूते पहन रहे थे, देखो भी उनके हैं रिश्ताले भी क्या होंगे, बालक तो इनके जाने ही हैं, कोई में तो बात है। तो भाई याद रखियो अपने देश में तो हमने बेरा पड़ोसिया के ऊपर तो भूडी नजर आग रहा है, और तो खींचा कि पड़ोसी का सारा हिसाब किताब रखेंगे। तो भाई पड़ोसी इनका भी एक जड़ में पड़ोसी था जमा कान लाए रहा, बोला भाई साहब नू सुनी है 1 रुपये का लिया था 60 का बेच दिया। बोला हाँ होगी थोड़ी बचत है। बोला फिर मैं भी जाया हूँ। बोले जाया हो क्या दिक्कत है? तो अपन याद रखना भाई हाँ नुका भाई आप तो बढ़िया, कोई जिक्के नहीं पढ़ा सकता, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है तो अपन याद रखना भाई, दूसरा जो आदमी आया था दूसरा उसका नाम था पेट्रो अलवारेज, नो समझ लियो पेट्रो पूरा पेट्रोल भरवा गए और इंडिया में आ गया। नो बोला भाई आपा भी आ गए, हाँ बोला भाई आ जा तन्ने भी सूडाएंगे इरके। तो याद रखियो कौन आ गया है, पेट्रो अलवारेज। तो पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया, वो था वास्को डी गामा, दूसरा कौन था जो था वो था पेट्रो अलवारेज। अगर कोई अपने तरफ पूछे भाई वास्को डी गामा कितनी बार आया था, 3 बार आया था, कद मरा था नो बता दियो, पहली बार कद आया था नो बता दियो, भाई कितने दिनों 90 दिनों में कितने रुपए कमाए, 60 गुना। एक क्वेश्चन यो आया था आईएएस का पेपर में 2005 में, किस व्यक्ति की मदद का था, उस आदमी का नाम था अब्दुल मणिक। के नाम था अब्दुल मणिक, नाम था भाई अब्दुल मणिक, और अब्दुल मणिक कित का था, यो गुजरात का भाई, कित का था गुजरात का। तो अपन याद रखना है कित का था गुजरात का था भाई, कौन अब्दुल मणिक। तो अगर कल ना प्रश्न आ जाए कि वास्को डी गामा किसकी मदद का था, साक्षी तवर बेबे प्योर मेरा नाम तो ना बनाइयो, ठीक है थोड़ा सा वो तो फर्क हो जावे है कि बच्चों को लगेगा, लेकिन यूं है कि बना लो अगर आपको कुछ ऐसा लगा, मेरा नाम ना लिखियो है भाई, रहने दो भाई, ठीक है बालक थोड़ा सा यूं हो भाई, कुछ आपको मिसगाइड हो जावा बच्चे कुछ। हाँ डीएसएल फैन का नाम तो बनाओ था, डीएसएल फैन, ठीक है डीएसएल फैन का नाम तो बनाओ, दीपक लाठर। हाँ मैं कह रहा था माँ जी मैंने तो नाम चेंज कर लिया, खरब से लो बोले आपने लाठर के नाम तो जाना है, ठीक है तो भाई दीपक लाठर फैन बना लियो, बाकी धीरे धीरे लोग मैंने मेरे दूसरे नाम से जानने लग जाएंगे। ठीक है अब्दुल मणिक की सहायता था भारत में आया था, कितने डूब डाब गया था भाई, नून उन्नीस की किस्ती कश्ती उनका मुंह हो गया था, फिर अब्दुल मणिक ने झोली दी, बोले रान आ जा पागल हा कुकरान लाग रहा नून था, उनको नून मॉडल है ना, कहा नून मॉडल है, समझ रहे हो बात ने। तो याद रखना भाई क्लियर, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद भाई इसके बाद धीरे धीरे करके इतने रुपये बचे थे और ये सारे पुर्तगाली इंडिया मान लागे। देखो एक समय ऐसा था, आज के समय पर जैसे आप पैसे कमाने के लिए विदेश में जाते हैं, एक समय मित्रों ऐसा था कि विदेश के लोग पैसा कमाने के लिए भारत में आते थे, तो उन दिनों को वापस लेके आना है, देश को आपकी प्रतिभा की जरूरत है, अपनी प्रतिभा को दिखाइए। तो याद रखिए भाई नुका तीसरा अल्मेडा 1505 में, अल्मेडा पहला वायसराय बन के आया था, तीसरा आदमी को नहीं था वह, याद रखियो यह बात, अल्मेडा कद आया था पहला वायसराय बन के आया था, पहला वायसराय। इब तो हम कहोगे सर जी वायसराय क्यों है, भाई एक बात याद रखियो ये पुर्तगाली इंडिया में इतने आन लागे थे, इतने आन लागे थे, अब पूछो ही ना हाँ हाँ भाई। तो अपन याद रखना है तीसरा अल्मेडा था भाई, कौन था अल्मेडा, अल्मेडा तीसरा कौन था, यो पहला वायसराय था, कि नू ना सोचो कि भाई तीसरा आदमी था, निरे आदमी आ लिए थे इससे पहले, तो
ठीक है, तो पहला वायसराय बनाया था और वायसराय क्यों आगरे था बेरा पुर्तगाली ले वो दोनों समूह ठावर दे सीधा मुंह इंडिया कान कर लेता, तो इंडिया में निर्यक पुर्तगाली आ गए थे। फिर बोला भाई ये तो सारे निर्य फिल्म बेचने लग गए हैं, बोला एक काम करो भाई इनका एक मॉनिटर बनाओ ना, तो ये हमारे बेटे सारे एक तो एक, एक, एक सी तो शकल होगी इनकी को बक्की में बुखर कबा जे पांदा नहीं हो इतने ठंडे ठंडे कुंगरों हुए तमने बेरा है। तो बोला भाई एक काम करो एक मॉनिटर बनाओ इनका, तो मॉनिटर बना दिया एक आदमी जिसका नाम था अल्मेडा। तो अल्मेडा एक मॉनिटर था जायत मॉनिटर ने वायसराय का आग्रह, यानी कि इसका गेल के जितने आदमी हैं उनका सीनियर हो गए हो। तो याद रखियो पहला वायसराय कौन था, अल्मेडा। अल्मेडा वायसराय कब बना था, 1505 में बना था और कब तक रहोगा, 1509 तक रहोगा भाई, यो इसका टाइम पीरियड था। अल्मेडा जो था याद रखियो भाई इसका बेचारा का गणे मुंडे मारे थे गेर के 1508 में, किसने गुजरात वाले ने मारे थे इसका गेर के। फिर इसने के करा 1509 में अटका युद्ध लड़ा और गुजरात की और दो चार और आदमी थे उनकी मिली जुली सेना को हरा दिया और एक जगह कब्जा ली थी, उस जगह का नाम था दीव। के नाम था भाई जगह का दीव, नाम था दीव। बहुत बढ़िया भाई, उनका ब्लू वाटर पॉलिसी नेहा रानी जमा एक नंबर की बात कहो है सियाणी। तो याद रखियो भाई 1509 में के चीज कब्जा ली थी, दीव कब्जा लिया था। और अल्मेडा जो इंडिया में आया भाई, इंडिया मान दे एक जना इस तरह बोला भाई साहब एक जरूरी बात आप तक करनी है, बोला बता भाई, बोला सुनो इंडिया में है ना प्लाट पुलुट कब जाने की ना सोचियो, बोला क्या थे, बोला जमीन ना बाबत बहुत रोले, बोला फिर तेरा भाई तो पहले यह बात सोच कर रहा है, तेरा भाई तो पहले इन्हू सोच रहा है पानी ना कब जावांगे, बोला पानी का क्या फायदा भाई सब अपन कौन से मैस रखनी है। अरे बोले ओ आप कित को आए हैं इंडिया में, बोला पानी में को इंडिया ले भी तो कह ना अपने जाओगे गर्मी की छुट्टियां, बोले हाँ पानी में ही कब जाओगे, जो आओगा वो भी जाओगा, जो आओगा वो भी जाओगा, सही कहो बोला यह बात तो, बोला पानी ना कब जाके बैठ जाएंगे, जो का टोल टैक्स बीच में दिया गया ना उन्होंने एंडी गाड़ी से पीड़ित चाली और एकदम टोल टैक्स वाले रोक ले रोक ले ले 170 रुपया पर्ची कटवा, तो भाई नुए नु बोला बीच में जाकर खड़े हो जाएंगे और नु कहीं भाई आगे जब जान जाएंगे 170 रुपया पर्ची कटवा, बोला दुमा पर्ची फलाना पर्ची लाइसेंस दिखा ये दिखा आरसी दिखा नीरे रुपये छाप दें बीच में खड़े हो गए, बोला व्हाट एन आइडिया सर जी। तो फिर इसने समुद्र कब्जान का प्लान बनाया और समुद्र कब्जान की नीति ने क्या आग्रह, ब्लू वाटर पॉलिसी, पानी किसा आग्रह नीला, बोला सर जी पानी नीला हो मार कान तो जोड़ मजमा काला, बोले ओ बावले वो काला ने छोड़ दू। तो भाई अनिसिंह ने भी गाना गाया था ब्लू है पानी 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 दिल भी सोनी सोनी, तो दिन जमा सनी सनी और पानी जमा ब्लू ब्लू। तो याद रखियो अगर कोई अपने तो पूछे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, अल्मेडा, या नीले पानी की नीति किसने चलाई, नीले पानी की नीति किसने चलाई थी भाई, तो नीले पानी की नीति किसने चलाई थी, अल्मेडा ने चलाई थी, अल्मेडा। इज इट क्लियर टू यू, बताओ क्या तुम्हें याद है, बता दे भाई एक मिनट में, रेवाड़ी कब आ रहे हो भाई, रेवाड़ी भी आवा जल्दी, तुम तैयार रहो, अब अपना दौरा पूरे हरियाणा में है, ये तो मात्र एक शुरुआत है, तो गाना वो मैंने ऊको नहीं लाया, आरंभ है प्रचंड, तो प्रचंड की शुरुआत है, आरंभ है प्रचंड, भोले मस्तकों का झुंड, आज जंग की घड़ी का तुम ऐलान दो, तो भाई जंग की घड़ी का तुम ऐलान दो, तो बहुत आवाए भाई नाला हो गए तो बहुत कोस्टली है, क्या हो गया भाई आपकी भी, क्या हो गया भाई, ठीक है तो याद रखियो भाई सब जगह पे आएंगे, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप पे स्टूडेंट का ग्रुप बना लो, ग्रुप में टेस्ट क्यों नहीं बना ले, मतलब भाई व्हाट्सएप पे है ना, फिर एक आध बालक दोरा थोड़े नून नून के मैसेज करते फिर दिक्कत हो जाए। आज की मीटिंग कैसी रही, बहुत अच्छी रही भाई, जमा दासू रही, ठीक है एक नंबर स्टेटस है जी, धन्यवाद भाई। हाँ योगेश नरवाल बोल यार कब फ्री होते हो सर, बात करनी है सिमरन पहल, बेबे मैं फ्री हो जाऊंगा इस क्लास के बाद, आप बात कर लियो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है चलू मैं आगे चलू भाई, मैंने नहीं बेरा मैं तो आगे ही चलू, ठीक है। देखो भी अल्मेडा याद रख लिया, पहला वाइस है 1505 से 1509 सारी बात बता दी मैंने, दर्द आगे चलो मैं भी। देखो भाई अल्मेडा के बाद एक दूसरा आदमी आओगा, उस दूसरा आदमी का नाम है अल्बुकर्क, के नाम है अल्बुकर्क, तो याद रखियो भाई कौन आओगा, अल्बुकर्क आओगा भाई, अल्बुकर्क की बात सुनो तुम, अल्बुकर्क पूरा चौड़ा होगा रे भाई, बोला तेरा भाई ये कर देगा, तेरा भाई वो कर देगा भाई, आंधे सूढ़े हो गए, बोला भाई या सकीम थी, बोला सकीम के, बोला तुम आगे अकड़ेगा आगे नहीं पिटा इतना गिर गया, इंडिया वाला हमारे भाई का से गिर गया। एक्चुअली होया के इसके बेचारे के सारे आदमी छुट्टी ले गए जाड्या में, तो हमने बेरा ब्याह भी तो जाड्या में होया करे, तो सारे इसके तो चले जाते, बोला सर दो एक दिन की छुट्टी थी, बोला क्या था
थोड़ा काम, बोला काम बता भाई, बोला थोड़े देखनी आओ दे सर जी, बोला देखनी आओ फिर 2 दिन में काम चल जाएगा, बोले कोई दिक्कत को नहीं, आप इनू है यार अभी तो संभालना है, आ जाएंगे 2 दिन में। और भाई वो 2 भिन्याम आए, इन दो इसके सारे मेन मेन आदमी बच गए, इंडिया वाले पौआ मार दे रिस पात साफ कर दे भाई, पौआ मार दे रिस पात साफ कर दे, बेचारा भजमा लाल बना दिया। तो इसके जब वो साथी आई वो बोले ही नहीं, वो उन गिले जो कर भाई नहीं नहीं बहुआ अगर उसका रोला हो जाए सासू गिले बहू नू मुँह चढ़ाए हंडे अगर सासू नारा मुँह चढ़ाए हंडे अरे, तो भाई नुए इो मुँह चढ़ाए हंडे भाई उन गिले बोले नहीं, बोले भाई सब बात क्यों हुई है, मैं बात तो बताओ आप। बोला भाई बात तो के है, बात तो है कि भाई तमने यार ठीक नहीं करी, कह के तम 2 दिन के 2 भिन्याम आए। बोला और तम तो जब तुम कहो थे अब देखनी आवे तम तो पूरा जमानू नहीं मुन मना का आयो। बोला भाई तेरा भाई उड़ जाते छोरी आले ने देखा, तेरा भाई इतना पसंद आया छोरी आले ने, बोले अभी ब्याह करेंगे अभी। बोला भाई इबे ब्याह, बोले इबे हमारी छोरी तैयार है, जा बेटी तैयार हो जा भाई, 1 मिनट में छोरी तैयार होगा। बोला आ गई, अरे 1 मिनट में ब्याह करके सारा काम दाम निपटा निपटू गए और घूम फिर कर ई भाई। हाँ बोला भाई साहब ये और ना बताऊ, चलो इसने तो मेरे के लजो करी करी भाई, आगे जब तारा ब्याह का टाइम हो ना इंडिया में ब्याह कर लियो, अपना सामने चले जाओ तड़के याद हो जाओ, तो याद रखियो भाई अलबू कर्क ने एक नीति बनाई थी भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति। क्या नीति थी? भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति। तो याद रखियो भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति किसने बनाई? भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति। तो याद रखियो भाई भारतीय महिलाओं से शादी करने की नीति किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी अलबू कर्क ने। किसने बनाई थी भाई? अलबू कर्क ने बनाई थी, अलबू कर्क ने। ठीक है भाई, तो भाई अलबू कर्क ने यो प्रोग्राम बना, आगे था भाई देखो ब्याह करोगे तो यारे करोगे नो नहीं है, और जाकर ब्याह कर आओ तुम तो दो दो भी नीला मेरे सामने बेरा मेरे कितने बुढ़े मारे हैं देखिए, एक बार मेरी कोनी जमा लिल्ली बना रखी है। तो याद रखियो भाई क्लियर है। और वैसे आपको बता देता हूँ ये नीति इसलिए बनाई थी ताकि भारतीय महिलाओं को पुर्तगालियों के साथ शादी करके भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। वो तो मजाक की बात है, सच्ची बात यह है। ठीक है चलो अगली बात देखते हैं। अगली बात देखो भाई अलबू कर्क की बात करेंगे। अलबू कर्क इब अलबू कर्क ने एक जगह कब्जाई थी जो हरियाणा कलरक में क्वेश्चन आया था और उस जगह का नाम था गोवा। और याद रखियो भाई गोवा कद कब्जाया था अलबू कर्क ने 1510। और गोवा किस आदमी पर कब्जाया था? बीजापुर का एक राजा था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह कहां के राजा थे? बीजापुर के राजा थे भाई यूसुफ आदिल शाह। तो अगर कोई अपना तो पूछे भाई यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा कब्जाया था और कित का राजा था? बीजापुर का राजा था भाई, बीजापुर का। ठीक है तो ध्यान रखियो भाई कहाँ के राजा थे? बीजापुर के राजा थे भाई। और गोवा कद कब्जाया था? 1510 में कब्जाया था चित्यो 1510 में। तो याद रखियो भाई भूलन की जरूरत नहीं है। और जितने बालका ने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल ने सब्सक्राइब तो कर लो, निकम्मे हो या कि में कहने की बात है कि जमाए नहीं शर्मा दे रहे तम तो ये जमाए बेशरम होते आवे हैं। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खींच कर लो आसान ना रोज। हाँ लाइक करने में भी कंजूसी दिखा रहे हैं भाई, लाइक तो बहुत ज्यादा है लेकिन लाइक बहुत कम है, प्लीज लाइक इट बेबे। हाँ भाई लाइक इट तो भाई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों प्लीज लाइक कर दो। ठीक है इसे लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बढ़िया भाई। और जितने बालक जुड़े हैं रोज सन है कितने बजे? 8:30 भाई। हाँ रीजनिंग और करंट अफेयर की होम डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जिन्हें नोट्स लेने हैं भाई, अगर आपने सीईटी का या हरियाणा में आने वाले सारे पेपर का प्लस दिल्ली पुलिस का प्लस चंडीगढ़ पुलिस का प्लस एसएससी एमटीएस का अगर ये सारा का सारा मटेरियल चाहिए तो आपको 3000 रुपये में सीधा आपके घर पहुँचा दिया जाएगा, लगभग 18 सब्जेक्ट। ठीक है भाई 18 सब्जेक्ट आज अगर आप पे करेंगे तो 3 से 4 दिन का अंदाजा लगा के चलिए, एक आधा ज़्यादा भी लग जाऊँ भाई, लेकिन विद इन 4-5 दिन के अंदर आपके पास आएगा। ठीक है तो सीईटी का अगर अगर आप नूलागढ़ सर जी फोटो स्टेट था हमें कटवा लेंगे तो मात्र 500 रुपए का पीडीएफ है भाई, पूरा का पूरा डीएसएल क्लासेस जीन जो है वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है संस्था है जो सीईटी का पूरा मटेरियल आपके घर पहुंचा रहा है और आपके घर पहुंचा रहा है तो आपके पास सेव रहेगा। और अगर उसमें से पेपर ना आए तो फिर हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप देखिए भाई अगर आपको लगता है कि भाई हाँ सर जी यह बात अगर आपको हो तो भाई मंगा सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब तारनो जी कर रहे हो अगर ना जी हम तो फट फट थक लिए तो भाई सीधा अपना बैग उठाओ और हमारे
45 दिन का कोर्स माओ भाई, 45 दिन का कोर्स मारा इब 17 तारीख के बाद, 17 का देख लेना तो 17 तारीख तक लॉन्च हो जाओगा भाई 45 दिन का जो अपना कोर्स है वो। तो उस कोर्स में मैं तारते बता देता हूँ के है 45 दिन वाला कोर्स में के है, यो स्पेशल भाई हमारी प्लानिंग है 45 दिन की भाई, 45 दिन बता देता हूँ तारते। हाँ 45 दिन का कोर्स रहेगा, 45 दिन का, 45 दिन हम दिन रात आपकी तैयारी करावांगे। और इस बैच इस ये जो 45 दिन का खर्चा होगा आपका टोटल ये 9000 रुपया होगा भाई, ये 9000 रुपया में तारा खान खान के 45 दिन के 7000 रुपये हैं भाई, और खाना प्लस रहना, और 2000 रुपये हैं लगभग पढ़ाई के भाई, ठीक है। तो आपने बता देता हूँ मैं 7000 रुपये खाने के रहने के हैं भाई 45 दिन के, और 2000 रुपये आपके पढ़ाई के हैं। तो जितने बड़ आना है वो आज के 45 दिन का कोर्स है, 19 तारीख तक शुरू होगा, 4 जून तक चलेगा, एग्जैक्ट 45 दिन, क्योंकि 4 जून नहीं चांस है सीईटी का पेपर होंगे, ये बाकी तो हम देख लियो भाई, जिन्हें लगा था भाई ज्यादा रुपये नहीं लगाने तो भाई उनका खातर ये बेस्ट मौका है। 45 दिन में तैयारी करावांगे, मैं गारंटी लूंगा अगर तुमने मेरे हिसाब से काम करा 45 दिन में बिल्कुल, चाहे आप मेरे के लिखित एग्रीमेंट कर लियो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैंने भरोसा है अपना कंटेंट पर भाई। अगली बात देखते हैं, इब अलबू करक के बाद क्या होगा, अलबू करक के बाद एक आदमी आओगा, उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, के नाम था नीनो डी कुन्हा। और ये जो नीनो डी कुन्हा था ना भाई, अगर आपने ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दियो भाई, 95-88-93-5144 इस नंबर पर मैसेज कर दियो, अगर ज्यादा तामने की मैं इंफॉर्मेशन चाहिए तो 95-88-53-5144 भाई, ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा कद बनाया था 1515 में बनाया था, और कद रहा था 1530 तक रहा था भाई, याद रखियो। इस आदमी ने क्या करा था, इस आदमी ने गोवा अपनी राजधानी बनाई थी भाई, क्या बनाई थी, गोवा अपनी राजधानी, राजधानी याद रखियो, राजधानी इनके हेडक्वार्टर कद बनाया था क्या है, ठीक है। तो गोवा अपनी राजधानी कद बनाई थी, याद रखियो भाई, गोवा जो है अपनी इन पुर्तगालिया ने अपनी राजधानी 1530 में बनाई थी, कद बनाई थी 1530, उससे पहले इनकी राजधानी की थी कोचीन थी, कोचीन राजधानी कद बनी थी 1503, कोचीन राजधानी कद बनी 1503, तो याद रखियो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चित्यो आग लगा दो। हाँ भाई, हाँ विवेक कुमारी का गुरु जी, मैं खाना का खुद लेऊंगी, बस पढ़ा दियो, ठीक है भाई, रहन रहन का लग जाओगा, ठीक है, रहना अभी तो खर्चा है यार, वो भी तो किराया लग गया भाई, हमारे के घर की बिल्डिंग है यार, समझे बात है ना, किराया पर ले हम भी हॉस्टल, ठीक है, बास भी आ जाओ, आवांगे बेबे, आवांगे आवांगे आवांगे, रख हौसला नी बेबे, रख हौसला, देख लूगा तेरा ब्रो कल्ले कल्ले नू। हाँ भाई, तो याद रखो, अगर कोई अपने तो पूछे नीनो डी कुन्हा 1515 तक 1530 तक ही रहा था भाई, कत्ते ही रहा था 1515 तक 1530 तक रहा था, क्लियर भाई। सचिन बागड़ी गुरुजी मेरी भी राम राम ले लो, राम राम भाई सचिन, सचिन ताज मुलाकात हुई थी भाई, और गोवा राजधानी बनाई थी भाई कद 1530 में, ठीक है। तो भाई ईब कल आपने पता है आऊंगा जी मैं भी, मोस्ट वेलकम भाई विक्रम जल्दी आ। तो भाई ईब मैं तरत बता देता हूँ, अपने जो सुनील सर हैं उनकी कल क्लास है भाई, एक बार उनकी ओर सुन लो, उनकी ओर सुन लो, हाँ कल 10 बजे आपकी क्लास है भाई, आ जाओ। कोई नहीं। हेलो, राम राम एंड गुड इवनिंग भाई सबको, कैसे हैं भाई, की हाल चाल सबके, उम्मीद करते हैं भाई सभी हो गए बहुत ही बढ़िया, और आपकी तैयारी चल रही होगी उससे भी बहुत ही बेहतरीन भाई, कुछ आपको पढ़ाएंगे बहुत ही बेहतरीन चीजें भाई, आज की क्लास रहेगी हमेशा की तरह धमाकेदार भाई, और आपसे बातचीत भी चलेंगे, और बिल्कुल वंदना कम्बोज जी, विकास राठी भाई, गोल्लू गोयत भाई, सारे बड़कन है प्यार भरी, राम राम भाई। आज मैं शुरू करने वाला हूँ भाई रिवीजन भाई, शुरू से लेके अंत तक भाई, जो भी मैंने पढ़ाया है, जब मैंने पेड कोर्स से पढ़ाया है, बिल्कुल दे दनादन बैटिंग होगी भाई, और बिल्कुल शुरू से बेसिक से भाई। आज की क्लास भाई अगर कोई माता पिता देखता है तो उसके बच्चे को दिखा सकता है, कोई मास्टर देखता हो वो भी पढ़ के पढ़ा सकता है बेटा, क्योंकि आज मैं शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से भाई, राम राम भाई, प्रेरणा इस बार इतने बड़का आ गया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तारा प्यार प्रेम और सेवा के लिए भाई। सबसे पहले बता दूं भाई, कल
क्लास शुरू होगी बेटा। सबसे पहले मैं जो बात आना चाहता हूँ, कल 10 बजे सुबह 10 बजे से लगातार मैराथन क्लास होगी मेरी यूट्यूब चैनल पर। भाई क्या पढ़ाऊंगा? साल समय दूरी पूरा, ट्रेन पूरा, और बेटा नाव और धारा पूरा। इस बात का ध्यान रखेंगे भाई। कल सारे के बालक भाई सुबह 10 बजे आना मत भूलिएगा, अपने नेट को बचा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा बहुत बार बार भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई। अब पढ़ाई क्लास चलेगी अभी, और लंबी क्लास चलेगी बेटा, इस बात का ध्यान रखना। राम राम भाई सारे बालकों का, इतना प्यार प्रेम और सहयोग के लिए लगातार बहुत बहुत धन्यवाद भाई सारे बालकों को। अगर मेरी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी आपके दिलों तक पहुँच रही है भाई, ठोको कमेंट भाई। बिल्कुल शुरुआत से करूँगा मैं शुरुआत भाई, क्योंकि जीरो टू हीरो बैच भाई मैंने दोबारा से शुरू कर दिया भाई, क्योंकि सीटी तक हम यूट्यूब पर भी लाए आएंगे। पेड बैच में क्लासेस चल रही है भाई, और आपको सरप्राइज पे सरप्राइज मिलेगा भाई, लगातार भाई लगातार भाई। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। चलो बेटा सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तो स्क्वेयर करूंगा भाई, सारे बड़का ने क्लास पूरी देखनी है भाई। अब मैं जीरो से हीरो बैच शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे भाई, जो आप सबके लिए पहले पहले सबसे पहले बात करते हैं भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले। मेरी बात को ध्यान सुनना भाई, कोई बच्चा क्लास नहीं छोड़ेगा, जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस होगी। और इस क्लास में मैं महंगे सवाल भी कराऊंगा, सस्ते सवाल भी कराऊंगा, और मॉडरेट सवाल भी कराऊंगा। बहुत बढ़िया भाई। फॉर एग्जाम्पल भाई, मान लीजिए 104 का स्क्वायर निकालना है, जिनको आता फटाफट आंसर आने दो भाई, रुकना नहीं चाहिए तारा सिस्टम। पहले देखो बेटा ये किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, बड़े प्यार से और आराम से ओले ओले चलेगी गड्डी, मैथ वाली गड्डी भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा 104 का स्क्वायर निकालना है, देखो 100 के नजदीक है गुरुजी, 100 से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है बेटा, 4 का स्क्वायर लिख लो 16, 4 ज्यादा है तो उसी नंबर में 4 जोड़ना बेटा, 104 में 4 जोड़ा कितना 108, तो आ गया उत्तर 108 16। जब तक लिखोगे सूत्र उससे पहले आ ही जाएगा उत्तर। बहुत बढ़िया भाई, जिन बालकों को मेरी बात समझ में आ गई 107 का स्क्वायर बताएंगे फटाफट से भाई, बड़े प्यार से। क्लास थोड़ी लंबी चलाऊंगा, अब बेसिक मैंने सोच लिया भाई, यूट्यूब पे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा भाई, आराम आराम से पढ़ाएंगे। सारे बालकों ने भाई आंसर देना, जिस बालक ने अंधा हो ना प्रैक्टिस करो भाई, सबसे पहले आंसर दो, पता चलेगा आप कितने पानी में हो भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अरे मान गए भाई जी, तो मान गए भाई। सर 100 से 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 ज्यादा है इसी में 7 जोड़ेंगे, उत्तर आ गया भाई 114 49। बात समझ गए बेटा, मान लीजिए 91 का निकालना था, मैं कह रहा हूँ भाई हमेशा बेटा कंपेयर करना है 100 से 200 से 50 से 150 से, इसको आप बेटा 90 से कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखोगे 100 से इसकी दूरी कितनी है, मतलब इसके दिलों की दूरी कितनी है। आप कहेंगे सर 9 कम है, अरे कम हो बेटा से ज्यादा, 9 का स्क्वायर लिखा 81, 9 का स्क्वायर लिखा 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 कम है बेटा इसमें तो 9 कटा दे, 9 कम है तो इसमें तो 9 कटा दे, आंसर आ गया 82। सर बात पल्ले नहीं पड़ी, तो बेटा 93 का बता, 93 का जीरो से शुरुआत करेंगे, बट आपको बना दूंगा मैं हीरो आज की क्लास में। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मान गए भाई मान गए सारे बन, मनीषा कलसन जी, आशुतोष शर्मा भाई, सारे बड़ का आंसर बिल्कुल सही है भाई। चाहे बात करूं मैं मोनी जी की भाई, मैंने क्या बोला भाई, पहले देखो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 100 से उसके दिलों की दूरी देखो, देख लिया गुरु जी आपने, देखा भाई गुरु जी ज्यादा है उसका, ज्यादा हो चाहे कम हो उसके लिखो, कम है तो उतना उस नंबर में से घटा दो, ज्यादा है तो उतना उस नंबर में जोड़ दे बेटा, दैट्स इट भाई। 100 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49 है, 7 कम इसमें 7 घटाओ बेटा 86। अब जो मेरी क्लास चलेंगी उसके अंदर भाई, कोई बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो बेटा, कॉम्पिटिशन स्टूडेंट हो, आप टीचर क्यों ना हो, चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो बेटा, दिल्ली मेरी क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी बेस कराऊंगा, वैदिक मैथमेटिक्स कराऊंगा, जिसमें आपकी मैथ से जो डर लगता है फोबिया को मैंने बदल दूंगा भाई। बहुत बिल्कुल निशान आज बुझ कर भाई वाणी भाई, आज बहुत बार सारे बड़का का बहुत बहुत धन्यवाद रहा भाई, बहुत बड़का ने सपोर्ट किया भाई, और हम आ रहे हैं आपके दिलों पे राज करने, आपके घर पे भाई इशार पहुंच रहे हैं फ्राइडे को भाई।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अगर बात समझ में आ गई तो भाई सारे बड़े 109 का बताओ फटाफट से आने दो आत्तर, फिर लेवल को बढ़ाऊंगा बेटा 109 का 109 का। आपसे बातचीत भी करेंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे भाई। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आई एम ओके भाई अशोक नागर, आई एम ऑलवेज फिट एंड फाइन माई डियर, डोंट वरी अबाउट मी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। सारे बालकों ने प्रत्येक बालक ने आंसर देना है, प्रत्येक बालक ने पार्टिसिपेशन दिखाना है, तभी तो मजा आएगा। तभी तो मैंने जीरो से शुरुआत की बेटा, जीरो से जीरो से। जिस बच्चे को मैथ नहीं आता ना उसको मैथ सिखा दूंगा, जो बालक इंटेलिजेंट है उसकी बारी भी आएगी। सबने अपनी प्रेजेंस दिखानी बेटा, सबने एक बारी सारे बालक भाई, क्योंकि हम आपके सारे मारे हैं। प्रत्येक बालक कमेंट करके बताएगा कि आप किस गाँव से बिलोंग करते हैं और आपका गाँव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा के, क्योंकि हम पहुंचेंगे आपके घर पे। तो प्रत्येक बालक कमेंट करके बताएगा भाई आप कहां से बिलोंग करते हैं। राम राम भाई सिरसा से, राम राम भाई। देखो बेटा 9 ज्यादा है, 100 से 9 ज्यादा बेटा, 9 का स्क्वायर 81, 9 ज्यादा इसमें 9 जोड़ दो 118 81, दैट्स इट बेटा जी, दैट्स इट। बात समझ में आ गई गुरुजी? तो 94 का बताओ बेटा, फिर लेवल बढ़ाऊंगा बेटा, फिर लेवल को इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल भाई डेली क्लास लगानी है भाई, परिवार समेत छोटे बच्चे भी ये क्लास लगा सकते हैं। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, अरे मास्टर क्यों ना हो, अरे पढ़ के पढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा के प्रत्येक हिस्से से जुड़े हैं हमसे बच्चे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अरे बालका ने जमा करते तुम बता दिया भाई, 6 कम है गुरुजी, 6 का स्क्वायर 36, 6 कम है तो इसमें 6 घटाओगे गुरुजी, यही तो आपने बताया। अब लेवल बढ़ाओ गुरुजी, ये बात तो समझ में आ गई। तो ले बेटा लेवल को चक देते हैं। मैं एक बात उससे पहले पूछना चाहता हूँ, 103 का स्क्वायर देखेंगे कौन सा बच्चा बताएगा भाई। मास्टर की राइटिंग में कोई दिक्कत, स्पेशल ट्रेनिंग लेके आऊँ मैं मेरी राइटिंग सुधारने के लिए, मेरी राइटिंग खराब है शायद। कैसी लगी आपको सुनील खरब की राइटिंग? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। बट आज लोगों आप लोगों का प्यार प्रेम सहयोग देख के भाई रोहतक में हमें भी इच्छा है आप लोगों से मिलने की। प्रत्येक बच्चे से मिलेंगे और आपके प्रत्येक डाउट को दूर करेंगे और भाई एजुकेशन सिस्टम को बदलेंगे भाई। जो भी आप राय लेना चाहते हैं हमसे ले सकते हैं भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, मान गए भाई। सारे बालकों ने कति दुम बैठा दिया, वाह वाह वाह। 100 से 3 ज्यादा बेटा, आज के बाद है ना 1 का स्क्वायर 01 लेना है, 2 का स्क्वायर 04 लेना है, 3 का स्क्वायर 09 लेना है, मतलब डबल डिजिट में। 4 का तो बेटा वैसे 16 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 01 लेना है, 2 का स्क्वायर 04 लेना है, 3 का स्क्वायर 09 लेना है। अरे खगड़ो कहते 2 बनाने का, इसका 50 लगा दो। अरे गलत बात है, इससे वैल्यू चेंज हो जाएगा बेटा। 3 ज्यादा 3 का स्क्वायर 09 लेना बेटा, 3 ज्यादा इसमें 3 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 106। ये आप कौन है बेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? आपको खुद तो पढ़ना ही है, आपके अड़ोस पड़ोस में सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है उसको सिखाइए, अब ज्ञान बढ़ाना बेटा। और अगर आपको हमारी नॉलेज अच्छी है तो आप भी बताइए, हमने सुनील खरब सर से सीखा और आप हमसे सीखिए, ज्ञान आगे बढ़ाना बेटा, ज्ञान आगे बढ़ाना भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। 103, अब बच्चे बताएंगे 98 का स्क्वायर, 98 का 98 का। धीरे धीरे आज की क्लास में भाई 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर तारा दिमाग में सेट करूंगा और 1 से लेके 100 तक के पहाड़े, क्योंकि ये प्रत्येक बच्चे के लिए बेनिफिशियल है। ये शुरुआत कर दी है मैंने भाई 0 to 0 बैच की भाई। मीना चैल जी बोरे जी, मैं तो रूस की जी, आप करके पासे चले गए, दोबारा आएंगे जी मीना चैल जी, हम आपके पास जरूर आएंगे। बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा कितना कम है भाई, कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 04, इस बार के 2 कम है तो इसमें 2 घटाना है। बात सर पल्ले पड़ गई है, पल्ले पै गई है तो बेटा 112 का निकालना होता। एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा जी, एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको किससे देखना है, 100 से। अभी 100 की बात हो रही है, फिर 50 की बात होगी, फिर 200 की बात होगी, नजदीक किसके है, नजदीक किसके है? नेहा रानी जी कह रहे जी मन्ने सिखा दो बेटा, आप लोगों की फरमाइश पे बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, 10 दिन आपका बेस इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आप मैथ से डरोगे नहीं। सारे बालकान है इसमें मेरा सहयोग करना भाई, प्यार प्रेम और सहयोग दिखाना भाई। 112 सर 100 से 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा तो बेटा 12 का स्क्वायर लिखो, 100 से कंपेयर करना है, 100 से 12 ज्यादा, 12 का स्क्वायर 144, 12 ज्यादा तो गुरुजी में 12 जोड़ेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट रहेंगे। देखो
जब दो से कम थे तो हमने आगे जो लगा ली थी, जब दो से जब ज्यादा डिजिट होंगे ना उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, असल लगानी है। इसलिए मैंने दो लैग बनाई है, दो लैग कि भैया इस साइड में सिर्फ दो डिजिट रहेंगे, एक असल, असल बोले तो कैरी फॉरवर्ड। आंसर भाई 12544। भाई धीरे धीरे लेवल ही बढ़ाओगे, चिंता क्यों करते हो भाई खागड़ो। 114 का स्केयर है। अब मेरा पटेगा भाई कौन कितने पानी में है, भाई कौन कितने पानी में है। धीरे धीरे प्रत्येक बात को आगे लेके बढ़ेंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। निशा राजपूत जी कह रहे जी मैंने तो पहली बार कोई बैच लिया और आपका बैच ही परचेज किया। एक बात और बता दो भाई, मेरे 500 क्वेश्चन की बुक आ रही है अगले वीक में भाई। वो बुक होगी वीडियो सॉल्यूशन के समेत भाई। जिस बच्चे ने मेरा पेड कोर्स लिया, पहले पेड कोर्स से कंसेप्ट सीखो और वो 500 क्वेश्चन करो, कोई क्वेश्चन सीटी में बाहर नहीं जाएगा भाई। वो 500 क्वेश्चन की बुक आपके घर पे आएगी और वीडियो सॉल्यूशन हमारी ऐप पे मिलेगा। उसकी कॉम्बिनेशन होगी भाई 500 क्वेश्चन, मेरी 10 साल की मेहनत का निचोड़, मैंने उन 500 क्वेश्चन ने पिरो दिया है भाई। आपके लिए 15 दिन मेहनत करके मैंने उन 500 क्वेश्चन को पिरोया है भाई। उससे बाहर औकात नहीं है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कि क्वेश्चन पूछ ले। ये सुनील खरप का आपसे वादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। और क्लास कैसी लग है, विचार रखा करो भाई। गुन्ने वाला का अपन पसंद नहीं भाई। 100 से 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 196, 14 ज्यादा बेटा, इसी में 14 जोड़ेंगे आपके 128। बट क्या बात है बेटा, इस साइड में सिर्फ दो डिजिट रहेंगे, वन कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12996, 12996। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। मनीषा कृष्ण जी बोल रहे हैं जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। नेहरानी जी कह रही जी एक नंबर के क्लास गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सारे बड़का का इतने प्यार प्रेम और सेवा के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई। अब मैंने बता दो 89 का गणित बातचीत में कोई फायदा नहीं भाई, जो हम सीखने हैं आज सीख के जाएंगे बेटा। काफी लोगों की शिकायत थी सर आप तो थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो। अरे बेटा हम फास्ट नहीं पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बट हम फास्ट नहीं पढ़ाते बेटा, पता क्या है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहीं पे। लेकिन आप लोगों का प्यार प्रेम सहयोग लगा, इस क्लास को बहुत ही लंबी चलाऊंगा, डेली लेके आऊंगा। आप लोग चाहते हो भाई मैं डेली यूट्यूब पे भी लाई आऊं, तो सारे बड़ा कमेंट करो सर प्लीज यूट्यूब पे लाइव लाइए। प्रत्येक बड़ा कमेंट करेगा ना तभी मजा आएगा। और जिस बड़क ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दिक्कत है बेटा। जो अपना मेरा मैथ का कोर्स है जो सीटी के लिए कंप्लीट है 99 BA DSLR पे मिलेगा। अब मेरी बुक आने लग रही है भाई, लगता है उसके लिए आपको ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा भाई, तभी बुक समझ में आएगी, नहीं तो बुक समझ में नहीं आएगी भाई। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। देखो भाई 100 से 11 कम, 11 का स्क्वायर लिखा गुरु जी 121, 11 कम है तो इसी में तो 11 का टाउन कितना होगा भाई 78 है। कितना होगा भाई 78 होगा गुरु जी 78 है। लेकिन इस साइड सिर्फ दो डिजिट लागेंगे, इनको मिलाएंगे बेटा 7921। बड़े प्यार से भाई आज तो लगता होगा आपको, आज तो लगता होगा स्पीड ओके है, स्पीड बड़े प्यार से चली है। अब इसी प्रकार पढ़ाएंगे, मैंने देख लिया भाई सारे बड़का भला करना भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन बेटा 87 का बताओ भाई, 87 जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसमें जब मुझे मजा आएगा, जब आजकल स्वेयर नो बताओगे स्क्वेयर फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन जो मैं स्क्वेयर सिखा रहा हूँ आपको मेरे से प्रॉमिस करना है, हर बच्चे को सिखाओगे, जो परिवार में छोटा उसको सिखाओ, जो बड़ा उसको सिखाओ। अरे मैथ तो लाइफ में आना है, दूध का बिल गिनोगे तो भी मैथ काम आएगा बेटा। बिल्कुल वंदना कंबोज जी करे जी आप एडवांस मैथ भी कराएंगे, पूनम जी एडवांस मैथ में अल्जेब्रा से एक्स गायब कर दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री से थीटा गायब कर दूंगा और आपको मेंसुरेशन में वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त भाई। सारे बड़कों का इतना प्यार प्रेम और सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बेटा देखो फटाफट से करते हैं, बड़े प्यार से चलेगी। सर ये तो 13 कम है, 100 से कंपेयर करना, 13 का स्क्वायर 169, 13 कम है इसी में 13 कटाओ बेटा। लेकिन इस साइड हमेशा कितने डिजिट होंगे भाई, दो, तो इसको हटाओ, एक कैरी करो, आंसर आ जाएगा। सर अब तो बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई तो बेटा 119 का बताओ। अब थोड़े बड़े नंबर लेते हैं बेटा 119, बिल्कुल लेवल वाइज बढ़ाएंगे भाई, बिल्कुल लेवल वाइज भाई, लेवल वाइज प्रॉपर वैसे भाई। सारे बड़े कमेंट होगा भाई स्पीड ओके, आज तो स्पीड ओले ओले चलने दें, फास्ट चलने दें, या इससे भी कसो चाल चला दे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
बहुत बढ़िया भाई, सारे बड़का लगातार प्यार प्रेम से के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कल सारे बड़का का नौता भाई 10 बजे चार्ल्स में दूरी पूरा कराऊंगा, ट्रेन पूरा कराऊंगा, नाउर दूरा पूरा कराऊंगा, और हरियाणा की मेरी आज तक जितनी क्लास हुई है सबसे बेहतरीन क्लास होगी भाई। कल सुबह अपना रिचार्ज करा के भाई 10 बजे इसी चैनल पे अपनी क्लास होगी भाई। प्रत्येक बालक दो दो बड़का लेकर ना भाई, कल लाइव में 500+ बालक करने हैं, ये प्रोमिस करना आप लोगों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा कितना ज्यादा है, अब बोलेंगे 19 ज्यादा है, 19 का स्क्वायर 25 तक तो याद करने पड़ेंगे भाई, 361। 19 ज्यादा गुरु जी में 19 जोड़ेंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, इस साइड सिर्फ 2 डिजिट रहोगे, कितने डिजिट रहोंगे, 2-3 कैरी। असल बेटा असल का मतलब सिर्फ जुड़ना होता है, कैरी फॉरवर्ड का मतलब सिर्फ जुड़ना होता है, आंसर होगा 1। अभी तो लेवल चलेगा, लेवल ही बढ़ाऊंगा, ऐसे स्क्वायर सिखाऊंगा आपके तोते उड़ जाएंगे बेटा, 84। लेकिन अगर आप 0 से सीखना चाहते हैं, एक वैदिक मैथ का कोर्स भी मैं लॉन्च करने वाला हूं भाई, छोटे बच्चों के लिए, मतलब जैसे मैथ में स्पीड बने भाई, मैथ का बेस क्लियर कराऊंगा आने वाले 10 दिन में यूट्यूब पे, बड़े प्यार से मैथ की फाउंडेशन बनाऊंगे, फाउंडेशन है, नींव मजबूत कर देंगे भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, अरे बहुत बढ़िया। अरे वीडियो को लाइक करो भाई, वीडियो में लाइक में कौन सो सी, शेयर तो काम कर देनी, कम से कम लाइक तो करो बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा 16 कम है तो 16 का स्क्वायर लिखेंगे 256। 16 कम है तो गुरुजी में 16 कटाऊंगा 68। लेकिन एक बात मैंने आपको बोली बेटा, इस साइड सिर्फ 2 डिजिट रहेंगे, 2 लाख जाएगी, असल आंसर आएगा 70-56 है, 70-56। अगली बात बेटा, अब 100 के नजदीक आ गया गुरुजी, अब बात करते फॉर एग्जांपल 57 की, 50 के नजदीक बेटा, मेरी बात एक एग्जांपल बताऊंगा बाकी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 50 के नजदीक है गुरु जी, 50 से 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर लिख बेटा, 7 ज्यादा तो इसमें 7 जोड़, यहां तक की बात है ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट चॉइस, दिस इज नॉट द राइट चॉइस। क्या होगा भाई, देखो बेटा जब बेस 100 लिया था, अब बेस लिया हमने 50, बेस लिया बेटा 50, 50 होता 100 का आधा, 50 होता बेटा 100 का आधा, तो लेफ्ट वाले पार्ट को, आई अगेन रिपीट माय पॉइंट, लेफ्ट वाले पार्ट को आधा करना पड़ेगा, 50-100 का आधा होता सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को बेटा, इसका आधा करेंगे आंसर आ जाएगा बेटा 32-49। कुछ बच्चों को अभी बात क्लियर नहीं होगी, एक एग्जांपल कराऊंगा तो बात तारा दिलो दिमाग में उतार दूंगा भाई। 59 का स्क्वायर भाई, ठोको लाइक अगर बात में मजा आ गया भाई, सारे बालक भाई लाइक ठोको भाई अगर मजा आ गया क्लास में भाई, सारे बालक लाइक ठोको भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। अपना मैथ स्पेशल कोर्स है 99 रुपये का, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाई, पढ़ो पढ़ो और मैथ के टीचर बनाओ भाई, टीचर है मेरे मतलब क्या, आपकी बेरोजगारी दूर करनी है, खुदा ना खास्ता पेपर क्लियर नहीं हुआ तो वेट नहीं करनी, मेरा कोर्स करने के बाद आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 50,000 का बंदा बना देंगे बेटा। देखो बेटा 9 का स्क्वायर 81, 9 ज्यादा है बेटा, 9 ज्यादा है तो इसमें 9 जोड़ेंगे, लेकिन बेस 50 है, बेस का मतलब हम किससे कंपेयर करें, वहां 100 से कंपेयर कर रहे थे तो बेस 100 था, या किससे कंपेयर करें बेटा, 50 से कंपेयर करें हैं तो बेस 50 है, लेफ्ट वाले पार्ट का था करना सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट का, आंसर कितना, बिल्कुल गुरु जी। बोलो भाई क्लास कैसी लग रही है, आ गया मजा, 42 का बताओ फिर, आ गया तो स्वाद, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा भाई, 0 to Hero बैच यूट्यूब पे भाई, 0 to Hero बैच भाई, यही है भाई हमारी पढ़ाने का तरीका। काफी लोग बोलते हैं सर आप तो फास्ट पढ़ाते हो, बेटा मुझे पता है कहाँ फास्ट पढ़ाना है और कहाँ स्लो, प्रत्येक बार कमेंट करो भाई क्लास कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है भाई, प्रत्येक बार कमेंट में बताओ भाई, बिकॉज सुनील कर बेजियर डांट फेयर इन मैथमेटिक्स डियर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, 42 अपनी दिखाओ, आज दिखाओ, आपको आता तो सबसे जल्दी आंसर दो, नहीं आता तो सीखो, और फिर भी नहीं है तो बार बार सीखो भाई। देखो बेटा 42 50 से 8 कम 8 का स्क्वायर 64,
आठ कमीज मार घटाएंगे 34, बट दिस इज द नॉट द राइट चॉइस बेबी। राइट चॉइस क्या होगा, इसका आधा करना पड़ेगा सर, 17 64 17 64। सर बात बिल्कुल पल्ले पैगी है, बल्ले पैगी है। एक सवाल और बताओ भाई, 44 का इसमें भी लेवल बढ़ाएंगे बेटा, अभी देखना 1000 10000 तक स्क्वेयर आप सेकंड में निकालोगे। तरीका वो नहीं आता भाई, किसी का अलग तरीका, किसी का वो तरीका। बेटा मैंने कह दिया, जो मैं क्लास शुरू करी यूट्यूब पे, वो छठी से क्लास से बच्चे पढ़ने वाले हैं, छठी क्लास से ऊपर वाले बच्चों के लिए स्कूल। जो पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बच्चों को जोड़ो भाई डेली मेरी क्लास के साथ, जो टीचर हैं वो भी पढ़ के पढ़ाओ भाई वैदिक मैथमेटिक्स। और अगली बात बेटा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या भाई चाहे आप कॉलेज में जाते हो तो भी पढ़ो, आप हाउस वाइफ तो भी पढ़ो जो मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। बेटा देखो बेटा, 44 का निकालना है, 44 50 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का मतलब मैं 6 घटाऊंगा गुरु जी, लेकिन बेस आप लेके क्या चल रहे हो 50, इसका आधा करना पड़ेगा 19 36 उत्तर आओ भाई 19 36। बहुत बढ़िया भाई, अब लेवल को बढ़ा दो गुरु जी। मान लीजिए 61 का निकालना था, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगला आपको करना है 61। जल्दबाजी में आपको कंपेरिजन बेटा 60 से नहीं करना, आपको कंपैरिजन कैसे करना बेटा 50 से, 100 से, 150 से, 200 से। तो भाई 50 से 11 ज्यादा गुरु जी, 11 का स्क्वायर लिखूंगा 121, 11 ज्यादा है तो इसमें 11 जोड़ूंगा, यहां तक की बात ठीक है। एक बात पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि भाई जो कैरी वगैरह करनी है ना वो आधा करने के बाद करनी है, जो असल लगाते हैं ना हम वो आधा करने के बाद करनी है, आधा करने के बाद करनी है। बहुत बढ़िया भाई, देखो बेटा इसका आधा करेंगे पहले 36, लेकिन एक बात आपको बताई थी भाई, क्या गुरुजी राइट साइड में सिर्फ दो अक्षर होंगे, दो, तो बेटा एक कैरी अब आधा करने के बाद करनी है, इस पॉइंट को ना भूलिएगा, आधा करने के बाद कैरी करनी है, असल लगानी है, इस बात को बिल्कुल आप भूल नहीं सकते हैं, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे, जैसे आप उसको नहीं भूल पाएंगे तो आज वाली क्लास को भी नहीं भूल पाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सारे बड़े कहेंगे इतना प्यार प्रेम और सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सारे बड़े बोलो भाई क्लास लंबी चला दें क्या, क्योंकि आप लोगों का प्यार प्रेम सेवा देखते मुझे लग रहा है आज बेसिक तारा जमा क्लियर ही कर दूंगा सिस्टम। सोनिया खेड़ी जी बोल रही है जी, बेटा अगर ज्यादा है तो प्लस होता है, कम है तो माइनस होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, सारे बड़का इधर 64 का स्क्वायर भाई, 64 का स्क्वायर बेटा क्या होता है भाई, सर 50 से 14 ज्यादा, 14 का स्क्वायर 196, 14 ज्यादा, इसमें 14 जोड़ेंगे 78, लेकिन 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 50 के नजदीक चल रहा है बेटा, 50 के नजदीक है तो इसका आधा करना पड़ेगा, आधा, लेकिन लेकिन एक बात और बताई थी सर आपने, राइट साइड में सिर्फ दो डिजिट आओगे, एक हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, आंसर आ गया भाई 4096। सर बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, तो बेटा 39 का स्क्वायर बताओ, 39 का स्क्वायर, सेम कंसेप्ट बोलते हैं ना भाई, बार बार बोलता हूँ, सेम बीमारी सेम दवाई सेम इलाज, सेम बीमारी सेम दवाई सेम इलाज। बहुत बढ़िया भाई, अरे बहुत ही जबरदस्त लड़ लो, अरे मान गया भाई चितो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, भाई जोड़ो सबने, बड़काने भी दिखाओ और सीख के प्रॉमिस करो भाई, सर आज वाली क्लास में 3-3 बड़कों को सिखाऊंगा, नॉलेज को आगे बढ़ाना भाई, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, देखो बेटा 50 से 11 कम है, 11 का स्क्वायर 121, 11 कम है तो इसमें 11 कटाओगे 28, लेकिन क्योंकि बेस था 50, बेस 50 था बेटा तो इसका आधा करेंगे 14। अब कैरी करनी है क्योंकि इस साइड सिर्फ दो डिजिट है सर, अब करूंगा मैं कैरी, क्योंकि आपने समझा दिया है ये गलती मैं कभी नहीं करूंगा। 15 21 15 21 15 21 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, सारे बालक भाई 37 का और बता दो, फिर बातचीत को थोड़ा एक लेवल और आगे बढ़ाऊंगा बेटा, 37 का और बताओ भाई, फिर बातचीत को एक लेवल और अप कर देंगे भाई, बहुत ही धमाकेदार भाई, बहुत ही धमाकेदार भाई, बहुत बढ़िया भाई।
नहीं, सुकेर नहीं कराऊंगा, अभी तो पार्टी स्लो ही है भैया जी, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन शुरुआत में जीरो से करना चाहता था। दोबारा यूट्यूब पे लाइव क्लास शुरू की है तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे भाई। अभी क्लास लंबी चलेगी भाई, आप लोगों का प्यार प्रेम से होगी अपेक्षा रहेगी भाई। और कल चाल से मैं दूरी ट्रेन नाव और दारा दो क्वेश्चन मिलेंगे, 10 बजे लाइव आऊंगा भाई, 10 बजे मेरी आज तक की सबसे बेहतरीन क्लास होगी भाई। वो बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169, 13 कम है बेटा, इसमें 13 कटाऊंगा। आप बोलेंगे सर 24, लेकिन बेस 50 लेके चले थे, इसका आधा भी करना पड़ेगा गुरुजी, 12। लेकिन इस साइड दो डिजिट रखने हैं, एक क्या जाए, कुछ तो बालक कैलकुलेटर खोल रहे हैं, मर रहे हैं बेटे, कैलकुलेटर में छोड़ दो भाई। अगली बात बेटा, यहां तक बात क्लियर होगी गुरुजी। अब 200 के नजदीक बात करते हैं, एक कॉमन सेंस है बेटा। अब तक की क्लास कैसी लगी प्रत्येक बालक कमेंट करके बताए, अच्छी लगी तो अच्छी, जो भी आपके दिल में है मेरे प्रति भावना कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाइए। आप प्रत्येक बालक कमेंट करेगा भाई क्लास कैसी लग रही है, प्रत्येक बालक का मैं कमेंट पढ़ूंगा भाई कि आपको क्लास कैसी लग रही है। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल भाई आशुतोष करे गच्छ क्लास वाला जी, मस्त अच्छी मस्त, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखो बेटा 204 कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर लिखो 16, 4 ज्यादा, इसमें 4 जोड़ेंगे 208। एक बात मैंने आपको बताया भाई, जब 50 था बेटा 100 का आधा होता है तो उसका आधा कर लिया। अब 100 के नजदीक था बेटा, 1 से गुणा करने से क्या फर्क पड़ता, अब 200 के नजदीक है मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को 2 से गुणा करोगे 2 से। 50 के नजदीक था तो आधा करते थे, 200 के नजदीक 2 से, 300 के नजदीक होता बेटा किसे गुणा करते 3 से, 400 के नजदीक होता किसे गुणा करते 4 से, 500 के नजदीक होता किसे गुणा करते 5 से। बहुत बढ़िया भाई, क्लास में बने रहना भाई, आज आनंद आएगा बेटा। 200 के नजदीक बेटा इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 416। अपना मैथ स्पेशल कोर्स का प्राइस है भाई सिर्फ 99, DSLR पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई। और मेरी बुक आ रही है अगले हफ्ते भाई, उसी क्वेश्चन में आएगी जो एक कोर्स ज्वाइन करेगा, और बुक पहुंचेगी आपके घर तक, और उससे बाहर सिटी में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा बेटा। 309 का बोलिए भाई, 309 का। बहुत बढ़िया भाई, 309 का प्रत्येक बालक बताएंगे भाई, 309 का। बहुत बढ़िया भाई, जिस बालक ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो को कीजिए लाइक, पर चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मिलता है क्वालिटी कंटेंट, कहने से कुछ नहीं होता भाई, पढ़ाना पड़ता है, जोड़ लगाना पड़ता है, और क्वालिटी आपको DSL पे दिखती होगी भाई। बहुत बढ़िया भाई, मानिए भाई, सबसे पहले आशुतोष शर्मा भाई, बहुत बढ़िया भाई। अरे बुक आएगी बेटा, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले इस कोर्स से आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। देखो भाई 309 का स्क्वायर 81 गुरु जी, 9 ज्यादा, इसमें 9 जोड़ दिया कितना भाई 318, लेकिन ये 300 के नजदीक है बेटा, 300 के, तो इसको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से आ जाएगा 954, अगला गया बेटा 81, अगला गया 81। बहुत बढ़िया भाई। और आपको बताऊंगा भाई, हम पहुंच रहे हैं भाई लगातार आपके शहर में, आज रोहतक में मीटअप था भाई, रोहतक में बहुत बच्चों ने प्यार प्रेम सहयोग दिखाया भाई, अगली बार आ रहे हैं भाई शुक्रवार को मेरे शहर में भाई, इस शहर में भाई, और धमाकेदार हो गया भाई, और आप लोगों के लिए दे सरप्राइज। और आपको पता कंटेंट तो क्वालिटी होता हमारा। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं 1000 के नजदीक की। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने 1004 का स्क्वायर निकालना, मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, प्रत्येक बात को ध्यान सुनना भाई, 1004 गुरु जी, सर 1000 तो 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16। एक बात बताओ, जब 100 बेस लेके चले थे ना, 100 में 2 जीरो थी बेटा, तो वहां पे लेफ्ट साइड में आप 2 डिजिट ले थे। अब बेस मतलब 1000 से कंपेयर करें, 1000 में कितनी जीरो 3, तो राइट साइड में 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, कितने लेने पड़ेंगे भाई 3। बहुत बढ़िया भाई। साक्षी तवर जी कह रहे जी, आपने तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी सुगर की। देखो भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है साक्षी जी, पार्टी खत्म का ही है, जब क्लास खत्म होगी तब पता चलेगा आपको कि भाई असली चीज तो बाकी है। देखो बेटा 4 का स्क्वायर, मैंने बोला बेस 1000 के नजदीक है, तो 4 का स्क्वायर 3 डिजिट लेने पड़ेंगे बेटा, 016 लिखना 016,
016 डिजिट 3 से ही होंगे 20,000 चार ज्यादा बेटा इसमें चार जोड़ ले आ गया उत्तर। मैंने बोला आपको जब तक लिखोगे सूत्र उससे पहले तो आ ही जाएगा उत्तर, जब तक लिखोगे सूत्र उससे पहले तो आ ही जाएगा उत्तर। आज भाई प्रैक्टिस करनी बेटा, शुरुआत से मैं जोड़ लगा रहा हूँ, मैं बेसिक से करवा रहा हूँ ना बेटा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ आगे बढ़ना है, डेली पढ़ना है, कंटिन्यूटी दिखानी बेटा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो बेटा, अगर 1012 का स्क्वायर निकालना था, 1012 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, 1012 का भाई, बिल्कुल भाई आशुतोष शर्मा का जी मजा आ गया भाई। सर आज मांगे का नाम नहीं लिया आपने, अच्छा मनीषा कृष्ण जी करें जी, बिल्कुल रिशत राजपूत का टॉप क्लास चला जी, बहुत बढ़िया भाई, अरे बहुत बढ़िया भाई, तारा इतना प्यार प्रेम से हो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लगातार बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कल की क्लास में भाई, कल की क्लास में सारे बड़का ने साथ देना भाई, सुबह 10 बजे से मैं जुड़ूंगा आपके साथ लाइव भाई, चार्ल्स में तुम्हारी बेसिक्स उठाऊंगा और सीजीएल लेवल तक पढ़ाऊंगा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई 1012 गुरु जी 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर लिखो 144, यहाँ पे 3 डिजिट सही है, 3 मिल गए, 12 ज्यादा बेटा इसमें 12 जोड़ तो ये आ गया 1024, ये उत्तर आ गया। यहाँ पे कैरी करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमें 3 डिजिट चाहिए, 3 ही मिल गए बेटा। अभी भी बात समझ में नहीं आई गुरु जी, तो बेटा 993 का निकाल है, 993 का निकाल, 993 का 993। सुमन चौहान जी राम राम जी, आपको बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई, सारे बड़का ने जमा कति दुम बैठा दिया भाई, मजा आ गया भाई, सारे बड़का ने भाई सल्यूट है आपके प्यार प्रेम से हो के लिए भाई। लेकिन लगातार प्यार प्रेम से हो रहेगा ना तभी आनंद आएगा भाई, तभी आनंद आएगा भाई। और सारे बालक भाई अपना पेड कोर्स ज्वाइन करें, कंसेप्ट क्लियर कर लो, फिर वो बुक घर पे मंगा लो और उसकी सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा, ऐसी पहली बुक हो गई हरियाणा की, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा लाइव भाई। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, 993 भाई कितना कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 049, 7 कम है तो बेटा इसमें 7 घटा दे, ले आ गया है उत्तर। जब तक लिखोगे सूत्र उससे पहले तो आ ही जाएगा उत्तर भाई। डीएसएल परिवार को इतना प्यार प्रेम सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसार से कौन कौन बालक लाइव देख रहा भाई, इसार वाले बालक कमेंट करो भाई, क्योंकि अगली बार इसार की है भाई, शुक्रवार को आ रहे इसार भाई, बयानी वाले बच्चे, फतेहबाद सिरसा वाले बच्चे भाई, अग्रवा वाले बच्चे भाई, बरवाड़ा साइड वाले बच्चे, सारे मिलना भाई वहां पे, क्योंकि आपके लिए होगा दे दनादन बैटिंग भाई। यहां तक तो बात ही समझ में आई गुरु जी, अगली बात आओ, अब बात करेंगे बेटा स्पेशल सुकेर की, सरिया की बीमारी आ गई, स्पेशल सुकेर, हाँ भाई स्पेशल सुकेर बेटा, स्पेशल सुकेर, पहला स्पेशल सुकेर बेटा जिसका अंतिम डिजिट 5 होता है, अंतिम डिजिट 5 होता है, फॉर एग्जाम्पल 45 का स्क्वायर, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसका अंतिम डिजिट 5 हो, जिसका अंतिम डिजिट क्या भाई 5 हो, आप क्या करते हो बेटा, आप क्या करते हो बेटा, ठीक है 5 का स्क्वायर 25 लिखो, जिसका अंतिम डिजिट 5 हो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, फिर जो भी नंबर बचा बेटा आगे 4, 4 तो एक बड़ा नंबर तो गुणा कर दो, 4 तो एक बड़ा नंबर 5, 4 गुणा 5 20। अभी बात समझ में आई गुरु जी, तो 65 का बताओ बेटा, 65 का 65, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अरे बुक का क्या नाम होता है, आपके पास आएगी भाई ब्रह्मास्त्र 500 क्वेश्चन की, वन एंड ओनली बाय योर फेवरेट टीचर सुनील खरब भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। 65 का स्क्वायर निकालना बेटा, इसके अंतिम डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर 25, जो भी आगे बचा 6, 6 तो एक बड़ा नंबर, 7 × 42। सर बात समझ में आ गई, तो बेटा 95 का बताओ, होता हूं 95 का राम राम ले लिए सुमन चौहान जी, आपकी कितनी बारी करोगे जी आप, राम राम जी आज जोड़ के राम राम जी। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, वीडियो में लगातार बने रहना भाई और अंत तक साथ देना भाई, अंत तक साथ देना भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। रोहतक तो आ चुके हैं भाई आज, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, 95 का स्क्वायर देखो, 5 का स्क्वायर 25 बेटा,
उसके अलावा नंबर बचा नौ, नौ तक बड़ा नंबर दस, दस नीमा नब्बे, उत्तर आ गया नब्बे पच्चीस। 115 का बताओ भाई, फिर मेरा बटेगा कितना पानी में, हाँ कितना पानी में, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, नब्बे पच्चीस, नब्बे पच्चीस, बहुत बढ़िया भाई। सारे बालकन है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इतना प्यार प्रेम और लगातार सेव के लिए भाई। लेकिन लेकिन जल्दी भाई राकेश रंगा हम पहुंचेंगे हर शहर में भाई, लेकिन आपका प्यार प्रेम विश्वास बना रहना चाहिए भाई। प्रत्येक बच्चा जो DSL को दिल से प्यार करता है उससे हम मिलके जरूर आएंगे भाई। प्रत्येक बच्चे से जो रोहतक से बच्चा है भाई उससे हम प्रॉपर तरीके से मिले थे भाई, बातचीत की थी भाई। बहुत बढ़िया भाई, हमने गाइडेंस देंगे भाई आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, वो भी फेस टू फेस भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा क्या हो रहा है भाई, पाँच का स्क्वायर लिखो पच्चीस, आगे क्या बचा गुरुजी, ग्यारह, ग्यारह तो एक बड़ा नंबर, बारह, ग्यारह और बारह गुणा 132 25। कई बालकान मेरा को नहीं होगा सर, ग्यारह तो इतनी जल्दी गुणा कैसे कर दी। बेटा किसी भी नंबर को ग्यारह से गुणा करनी है तो ग्यारह को भूल जाओ, उस नंबर को अलग अलग करो और उसका जोड़ बीच में लिख दो, यही है गुणा, यही है गुणा। अब मैंने आपसे पूछा बेटा, मैंने आपसे पूछा 35 गुणा ग्यारह बिना, अरे पेन से ब्रेकअप करना बेटा, पेन से ब्रेकअप है, पेन से ब्रेकअप है, पेन से क्या करना बेटा, ब्रेकअप करना, ब्रेकअप 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 है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल संदीप तोवर कह रहे जी आज तो आनंद काया होगी, काया आनंद होगी भाई। बहुत बढ़िया भाई, मोनी की राम राम ले लिए भाई, मोनी मेरी बिरादरी हो गया, अरे पगली लिख रहा कहते ना, ए पकली वे बे, राम राम तन्नवी। और बता आगे देखो बेटा क्या होता है, तीन पगली क्यों लिख रही है, तू पागल है क्या, बढ़िया नाम लिखो बेटा। देखो तीन और पांच को अलग किया, टोटल बीच में लिखा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कहाँ होती है, जैसे छिहत्तर और ग्यारह गुणा किया, छिहत्तर और ग्यारह गुणा किया, छिहत्तर और ग्यारह गुणा करेंगे बेटा, इसको अलग तो करेंगे सात और छह, लेकिन जोड़ डबल डिजिट में आ जाएगा, सात और छह का जोड़ तेरह, तेरह का तीन रखेंगे बेटा, एक कैरी करनी है 836। सर बात समझ में नहीं तो बेटा चौरानवे और ग्यारह गुणा बताओ फटाफट, जो भी सिखाएंगे प्रॉपर सिखाएंगे और पूरा सिखाएंगे, जो भी सिखाएंगे भाई प्रॉपर सिखाएंगे और पूरा सिखाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सारे ने प्यार भरी राम राम भाई, राम राम ने छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा 94 अलग अलग करो, 9 और 4 बेस बनाऊंगा तारा, प्रॉपर तरीके से सर, टोटल तो 13 होगा, 13 का तीन रख बेटा, 9 और 1 10, मतलब उत्तर आ जाएगा 1034। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई, अरे बहुत ही बढ़िया, लड़ लो, कमाल कर दिया था हमने आज की क्लास में, दिल जीत लिया भाई था हमने, तारा मास्टर सुनील खराब गया भाई। इसी प्रकार प्यार प्रेम सहयोग देते रहे भाई, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ भाई, दिल्ली में वो क्लास कराऊंगा, फाउंडेशन कराऊंगा, अब अपने बच्चों को जोड़िए, छठी क्लास से ऊपर वाले सबको बिठाइएगा साथ में भाई, कॉलेज गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, पेरेंट्स हो, चाहे बेटा आप टीचर ही क्यों ना हो, पेरेंट्स हो, खुद पढ़ के बच्चों को पढ़ाइए। ये वो चीजें पढ़ाऊंगा आने वाले 10 दिनों में जो सबके लिए कंपलसरी है भाई, क्योंकि बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, अनंतराम शास्त्री जी कह रहे जी शुक्रवार को सुनील सर की नगरी हिसार में सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सारे बालकान ने पहुंचना भाई, और दीपक सर को बताना है भाई हिसार की धरती में आपके लिए कितना प्यार प्रेम और सहयोग है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है इतनी बात क्लियर होगी भाई। आगे बात करते हैं बेटा स्पेशल सुकेर की, पहला स्पेशल सुकेर आगे बात करते हैं, बिल्कुल मैं तो एक एक बात आऊंगा बेटा, चाहे किसी को आती हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो ही बहुत बढ़िया, अब मैं किसी चीज को छोड़ दूंगा नहीं बेटा। आपको एक ऐसे नंबर का सुकेर निकालना बेटा जिसमें एक बार बार आ रहा है, एक बार बार आ रहा है, क्या रहा भाई, एक बार बार आ रहा है। आपको करना क्या बेटा, आपको करना क्या बेटा, कितनी बार एक है भाई, पांच बार एक है, तो भाई पांच बार एक है तो आपको करना पांच तक गिनती लिखनी बेटा, पांच तक गिनती लिखनी है और गिनती को उल्टा कर दे बेटा, यही है उत्तर, यही है उत्तर, यही उत्तर है। फॉर एग्जाम्पल बेटा तीन बार एक होता, बिल्कुल जीरो से शुरू किया भाई तो बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाऊंगा मैं, जीरो से शुरू किया बेटा तो जीरो से ही पढ़ाएंगे, जीरो से ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सारे बालक एक बार कमेंट खींच के लो भाई कि क्लास में स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है मजा, बेसिक से शुरू कर दिया भाई, जीरो टू हीरो बैच, जीरो टू हीरो बैच भाई, ये क्लास मैंने सभी के लिए शुरू कर दिया भाई, चाहे बालक हो
चाहे आप कॉलेज में जानते हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, चाहे आप मास्टर हो, चाहे कॉलेज में जानते हो, ऐसी क्लास भाई जो धमाके उठाएगी भाई, डीएसएल का एक ही सपना भाई, घर घर भाई, क्वालिटी एजुकेशन भाई, क्वालिटी एजुकेशन भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा तीन तीन बार एक है तो कहां तक गिनती लिखो, एक दो तीन दो एक, ठीक है गुरुजी। अरे बेटा ग्यारह देख ले, ग्यारह का स्क्वायर है गुरुजी, एक दो एक, बट पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जहां से काउंटिंग उल्टी हो रही है ना वो सिर्फ एक बार लिखना है। अगली बात करते बेटा, एक काली बात होगी गुरुजी, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसमें नौ बार बार रिपीट हो बेटा, नौ बार बार रिपीट हो। इसको कैसे करें, ये काफी कम टीचर पढ़ाते हैं भाई, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना भाई, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, मतलब मेडिटेशन शैली में जो भाई, इसको काफी कम टीचर पढ़ाते हैं बेटा, काफी कम टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता है भाई आपका अपना प्यारा टीचर सुन लिख रहा तो पढ़ाएगा बेटा। देखो भाई नौ का स्क्वायर लिखो बेटा, नौ बार बार रिपीट रहा है, नौ का स्क्वायर को अलग अलग करो भाई, इक्यासी को कर लिया बेटा मैंने, अलग अलग कर लिया भाई, कर लिया जी कर लिया, नौ रिपीट रहा, नौ का स्क्वायर लिखा इक्यासी। फिर देखो बेटा जी क्या देखना है इसके बाद, कितने नौ थे, पांच नौ थे गुरु जी, जितनी बारी नौ है ना उससे एक कम, पांच बारी नौ है तो उससे एक कम, मतलब चार खालिस्तानी हाँ और बेटा चार खालिस्तानी हाँ, चार खालिस्तान वहां और चार खालिस्तानियां, अब इन खालिस्तान को भर दिया तो उत्तर आ गया बेटा, जो भी यहां लिखा ना उससे एक कम, एक से एक कम क्या होगा बेटा, जीरो 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 जीरो, स्पीड ब्रेकर आ गया, रुक जाओ जी, जो भी यहां लिखा उससे एक ज्यादा, नो 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 नो, इसे बोलते बेटा सुनील खरब मेथड, इसको बोलते भाई सुनील खरब मेथड। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, अगर बात पल्ले पे गई है तो ट्रिपल नाइन का बताओ, नहीं तो बात तारा दिमाग में सेट करके सोऊंगा मैं। ट्रिपल नाइन का स्क्वायर भाई, ट्रिपल नाइन का स्क्वायर, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भाई लाड लो, अरे इतना प्यार प्रेम से के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई लगातार, बहुत बढ़िया भाई, राम राम भाई, खटखट साहब भी आ लिया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तेजबान गोस्वामी जी मस्त क्लास, नो मजाक होने भाई, छोटे बड़का ने जोड़ा करो, जो आपके बड़े हैं उन बिठाया करो, क्योंकि अभी आने वाले 10-15 दिन आपकी मैथ में बेस बनाऊंगा, फाउंडेशन बनाऊंगा भाई, यूट्यूब पे ऐसी क्लास होगी जो सभी वर्ग के सभी आयु के चाहे किसी भी क्लास में पढ़ता हो सबके लिए यूजफुल होगी भाई। देखो बेटा ये पहली बार मैंने लेके आया भाई, तो इसका फायदा उठाइएगा और सबके साथ जुड़िएगा, अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने महिला मित्र के साथ, अपने पुरुष मित्र के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ। देखो बेटा नौ का स्क्वायर कितना भाई, इक्यासी, इक्यासी करो बेटा अलग अलग कर लिया भाई, इक्यासी को अलग अलग करा बेटा, कितनी बारी नौ, तीन बारी, उससे एक कम, दो खालिस्तानियां दो खालिस्तानियां, जो भी यहां लिखा बेटा उससे एक कम, जो भी यहां लिखा उससे एक ज्यादा, ले भाई जब तक लिखोगे सूत्र उससे पहले तो आ ही जाएगा उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई, अरे मान गया भाई बालको, कमाल धमाल बेमिसाल, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त। सर ये तरीका कहाँ कहाँ लगेगा, क्या नौ पे लगेगा, ना बेटा ये तीन के मल्टीपल पे लगेगा, तीन पे मल्टीपल पे लगेगा, तीन का मल्टीपल का मतलब है, तीन का मल्टीपल का मतलब बेटा मान ले छह रिपीट होता, मल्टी का मतलब है उसके पहाड़े में आता बेटा जी, उसके पहाड़े में आता है गुरु जी, बिल्कुल भाई, अब छह है तीन के पहाड़े में आता है, यहाँ भी लगेगा भाई। अनु पंचाल जी कह रहे जी वर्गमूल भी सिखा दो, बोलो भाई सारे बालक है, सुकेरता के लास्ट स्क्वायर रूट सिखा देंगे, सुकेरता के लास्ट स्क्वायर रूट सिखा दे, प्रत्येक बालक कमेंट करेगा भाई, 200 बंदे लाए हो भाई, प्रत्येक बालक अगर कमेंट करेगा सर वर्गमूल भी सिखा दो तो अभी सिखा देंगे भाई। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई छह का स्क्वायर लिखो 36, लेकिन इसको अलग अलग करो बेटा, कर लिया अलग, कितनी बारी छह है, पांच बारी छह है गुरुजी, उस तो एक कम बेटा, एक कम है मतलब पांच तो एक कम क्या होगा, चार, चार खालिस्तानियां बनाओ बेटा, और चार खालिस्तानियां, जो भी यहां लिखा है उस तो एक कम है, पांच 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 पांच, जो भी यहां लिखा उस तो एक ज्यादा, आ गया है उत्तर, अरे आ गया है उत्तर भाई, आ लिया उत्तर, बिल्कुल खटखट साफ कर रहे हैं जी, जमानु दासु क्लास चला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगली बातचीत करते बेटा, जब तीन के मल्टीपल पे लगेगा बेटा तो तीन ने के खोट कर दिया, तीन पर तो लगेगा, अरे तीन पर तो पक्का लगेगा यू,
लेकिन एक बात रखना, तीन बार बार रिपीट हो रहा है, तीन का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तीन का स्क्वायर क्या होगा, नौ नहीं बेटा, जीरो नौ, जीरो नो, जीरो नो, तीन का स्क्वायर डबल डिजिट में, जीरो नो, जीरो नो गुरु जी, जीरो नो, कितनी बारी है भाई, तीन, चार बारी, उससे एक कम खालिस्तान बना बेटा, तीन खालिस्तान यहाँ, तीन खालिस्तान यहाँ, अब इन खालिस्तान को तो बनना बेटा, जो यहाँ लिखा उससे कम है, आठ आठ आठ, जो यहाँ लिखा उससे एक ज्यादा, ले भाई आ गया उत्तर, ले भाई बच्चों आ गया उत्तर। आज की क्लास में भाई मैंने आपको स्क्वायर की सारी कहानी बताई भाई, अपने माइंड में कुछ नंबर सोचने बेटा, अपने अपने माइंड में कुछ नंबर सोचने भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अनंतराम शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, पता क्या, अब मेरी बात सुन लो भाई, कल सुबह 10 बजे क्लास शुरू होगी भाई, मैराथन क्लास चलेगी भाई, चाल समय दूरी की पूरा पढ़ाऊंगा भाई, ट्रेन पूरा कटाऊंगा पढ़ाऊंगा भाई, नाव और दूरा पूरा पढ़ाऊंगा भाई, तो सुबह 10 बजे भाई अपने सगे संबंधियों के साथ यूट्यूब चैनल पे जरूर पहुंचेगा भाई, और शुक्रवार को आपको बता रही हमारे भाई इस सार में भाई पूरी DSL की टीम के साथ भाई धमाकेदार बैटिंग होगी भाई, इस सार में आपसे 1-to-1 बात करने भाई। और अगली बात भाई, जिन बड़का ने मेरा मैथ का कोर्स ज्वाइन नहीं किया, 99 का मैथ का कोर्स है, मेरी बुक आएगी भाई वीडियो सोल्यूशन के साथ, वो उन्हीं को समझ में आएगी, जो एक कोर्स लेंगे, कोर्स कहाँ मिलेगा, DSL ऐप पे, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भाई, और वहाँ पे मैथ स्पेशल बच्चों लिखना मिलेगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी भाई, सारे बालक भाई प्रत्येक बालक कमेंट करके बताएंगे भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपके मन में कोई डाउट है भाई, सभी जगह आएंगे भाई, सभी जगह आएंगे भाई। भाई राकेश रंगा जी बोल तो दिया बेटा, कै थल भी आओगे CET के पेपर से पहले, हर शहर में आपके दिलों पे राज करने हम आएंगे आपके शहर में, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। रचना मांगकर जी बोल रहे हैं भाई कहाँ होंगे, सबको शेड्यूल मिल जाएगा भाई, सबको शेड्यूल मिल जाएगा भाई, सबसे रूबरू होंगे भाई प्रॉपर तरीके से, और शीघ्र ही हमारी प्लान है भाई हर शहर में एक दिन क्लास चलाएंगे भाई, ऑफलाइन क्लास वो भी फ्री भाई, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया भाई, स्क्वायर करवा दिए भाई सारे भाई। तो आज आपने कुछ नंबर सोचने 1 से 1000 तक, मेरे तरीके से आपको करने, ऐसे कमेंट नहीं करने भाई, क्लास के नीचे और प्रत्येक बालक ने आज ही क्लास स्टेटस लगानी है भाई, इज्जत पर बात आ जाएगी बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, उम्मीद करता हूँ भाई ऐसे अपना प्यार प्रेम से आप दिखाते रहोगे, क्योंकि जो मैं अब क्लास चलाऊंगा ना वो छोटे बच्चों के लिए, स्कूल में जाते हो 6ठी क्लास से ऊपर वालों के लिए, 9वीं 10वीं वालों के लिए, 11वीं 12वीं वालों के लिए, कॉलेज वालों के लिए, मास्टर खातर, पेरेंट्स खातर, कंपटीशन वाले बड़का खातर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू भाई, इसी जोर जज्बे के साथ कल फिर मुलाकात होगी भाई सुबह 10 बजे, आना ना बोले DSL पे भाई, थैंक यू भाई।